Hi students, this is the fourth part of class 8th first chapter science. Today I am starting here from the increasing crop yields. To increase the crop yield, mixed cultivation and crop rotation techniques are used. Crop ki paidawar ko matlab badhane ke liye hum mixed cultivation karte hain aur crop rotation techniques ka use karte hain. हम आपको मिक्स कल्टीवेशन एंड क्रॉप रोटेशन क्या है इसको इसके विषय में बता रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स कल्टीवेशन, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मिक्स्ड कल्टीवेशन. क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ वन क्रॉप इज फुलफिल्ड बाय द अदर. फॉर एग्जाम्पल, पी कैन बी ग्रोन अलॉन्ग विद द सीरियल लाइक व्हीट. तो मिक्स कल्टीवेशन की सीरीज में हमने सबसे पहले सीखा कि एक ही फील्ड में हमको ये सीखना था कि मतलब एक ही फील्ड में दो तरीके की क्रॉप्स को एक ही साथ कैसे बोएंगे. एट दिस टाइम हमको इस समय ध्यान रखना होगा कि मतलब फसलें ऐसी हों कि जिससे दोनों के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए. एग्जाम्पल में हमको दिया गया कि हम एक क्रॉप्स में अगर दो को यूज करें तो पी मतलब मटर की जो क्रॉप्स होती हैं उनको व्हीट मतलब गेहूं के साथ बो सकते हैं और दोनों का प्रोडक्शन हो सकता है. न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई भी एनफ होगी, न्यूट्रिएंट्स भी प्रॉपर मात्रा में होंगे और इस तरीके से मतलब एक फिक्स लेंथ में हमको दो प्रकार की क्रॉप का प्रोडक्शन का चांस मिलेगा. डियर स्टूडेंट, थर्ड थिंग, क्रॉप रोटेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग टू आर मोर डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर द अदर इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. इट इज अ गुड ऑप्शन टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. लेगमेंट्स हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन देयर रूट्स दैट हेल्प इन रिस्टोरिंग द नाइट्रोजन कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्रॉप सच एज व्हीट एंड पैडी यूज अप अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल. दिस lost nitrogen can be replaced by legumes that are sown after harvesting wheat and paddy. एक क्रॉप रोटेशन का मेथड है कि अगर हमने अपनी फील्ड में अब की बार इस बार कुछ अलग तरीके की प्लांट सो की है तो नेक्स्ट टाइम कुछ अलग तरीके की प्लांट सो करें. वाई, इसकी जरूरत क्या होती है? एज एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने फर्स्ट टाइम leguminous प्लांट बोल दिया, leguminous पी प्लांट बोया. सो इट हैज एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसके पास ये एबिलिटी होती है कि इसमें हमको नाइट्रोजन मीन्स यूरिया का यूज नहीं करना होगा क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो ओपन एनवायरमेंट से नाइट्रोजन को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं. बट वेन वी सो तो इस समय हमारे मतलब देखेंगे कि नाइट्रोजन का यूज ज्यादा हुआ नहीं. सेकेंड टाइम हम व्हीट उसमें सो करते हैं तो व्हीट को रिक्वायरमेंट होती है कि वो नाइट्रोजन ले तो वो जो लैंड में नाइट्रोजन होगा उसका यूज करेगा. सो बाय चेंजिंग द क्रॉप्स, और कुछ चीजें भी ध्यान रखी जाए कि जैसे अगर एक बार हमने फाइब्रस रूट्स वाले प्लांट्स को सो किया है तो फिर नेक्स्ट टाइम टैप रूट्स वाले प्लांट्स को सो किया जाए क्योंकि जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो ज्यादा डेप्थ तक सॉइल में नहीं जाती और वो मतलब ज्यादा ऊपर ही रहती हैं तो जहां तक रूट्स रहेंगी वहां तक के न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि ऊपर के सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कम हो गया है तो हम उसमें टैप रूट वाली फसलें क्रॉप्स का ग्रोथ मतलब सो करेंगे. सो वो जो रूट्स हैं वो नीचे तक जाएंगी और नीचे के एरिया से न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे और जो इंटरवल मिलेगा ऊपर की सॉइल और नीचे की सॉइल को उसमें वो अपने फर्टिलिटी को मेंटेन कर लेगा. वेल स्टूडेंट्स, ये क्रॉप रोटेशन रहा. After this nitrogen fixation, अब इसके बाद हम nitrogen fixation की बात करेंगे. ये क्या है? The process by which free atmosphere nitrogen is converted into nitrogen compounds is called nitrogen fixation. In nature, nitrogen is fixed during lightning or by nitrogen fixing bacteria and blue-green algae. Leguminous plants such as pea have a nitrogen fixing bacteria rhizobium in their roots modules. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है
कि व्हेन द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन द नाइट्रोजन कंपाउंड, एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन है वो जब नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। होता कैसे, एज वी टेक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट या प्ली का लेग्यूमिनस पी प्लांट, इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है। रीजन, क्योंकि इनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो होती है राइजोबियम, और राइजोबियम बैक्टीरिया ऐसी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेती है, एंड विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, जो आसानी से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल से, एंड देन यूज्ड अप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन, और फिर जो प्लांट होता है इसी का यूज करके प्रोटीन बना लेता है। एंड यू नो दैट, आप जानते हैं कि प्रोटीन का यूज कैसे होता, क्या होता है। प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में जाए तो हमारा ग्रोथ होगा, और वह नाइट्रोजन से अगर प्रोटीन बना है तो प्रोटीन की हेल्प से प्लांट्स का भी ग्रोथ होगा। एनिमल्स फीडिंग ऑन दीज प्लांट्स गेट द प्रोटीन कॉन्टेंट फॉर दियर ग्रोथ। दीज आर टू वेज बाय विच अ नाइट्रोजन गोज बैक इन टू द एटमोस्फियर। वन इज द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रेटा विच गैस विच हैज नाइट्रोजीनियस वेस्ट by microorganism, and secondly when these plants and animals die the bacteria and fungi decompose the nitrogen compounds present in them and release the free nitrogen back into the atmosphere. Some of these nitrogen compounds are returned to the soil as well. This is how the percentage of nitrogen remains balanced in the atmosphere. The natural cyclic process in which atmosphere nitrogen enters the soil and becomes a part of living organism before returning to the atmosphere is called nitrogen cycle. अभी हम देखिए nitrogen cycle पढ़ेंगे, थोड़ा हम आपको clear करें। हमने देखा कि open atmosphere से due to the action of rhizobium bacteria, nitrogen is converted into nitrogen compound and it is used by the plants, it is absorbed by the plants. And after these plants prepare their proteins. हम सोचेंगे कि अभी प्रोटीन जो है वो दोबारा, वो जो नाइट्रोजन था वो दोबारा एटमोस्फेयर में कैसे आएगा। इसके सिर्फ दो स्टेप्स होंगे। The things which is removed by the things who comes out from the plants and animals who has some nitrogen amount in, मतलब जो उनके वेस्टेज आएंगे और वो प्लांट्स के जो वेस्टेज आएंगे या एनिमल्स के जो वेस्टेज आएंगे, अगर उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट होगा तो जब वो बाहर आएंगे तो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डीकम्पोज करेंगे, सड़ाएंगे, और फिर जो नाइट्रोजन होगा वो एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाएगा। सेकेंड प्रोसेस विल बी द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज यूज बाय द प्लांट्स फ्रॉम द ओपन एटमॉस्फेयर, फाइनली दे डाई, जब वो मरेंगे देन दे आल्सो डीकम्पोज बाय द बैक्टीरिया एक्शन, तो वो भी बैक्टीरिया के एक्शन से डीकम्पोज होंगे, फिर वो नाइट्रोजन जो है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में मिल पाएगा। तो हमने एक साइकिल देखी यहाँ पे, नाइट्रोजन साइकिल की। फर्स्ट टाइम द, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम द नाइट्रोजन एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन को पहले, सबसे पहले एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस के तहत, फिर वो प्रोटीन में बना एंड उससे प्लांट्स का, उससे प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ हुआ, फिर वो डेड हुए दोनों, मतलब सड़े, फिर उनका डीकम्पोजिशन हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और फिर सड़ने के बाद, डीकम्पोजिशन के बाद वो नाइट्रोजन थी वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली गई। तो हम ऐसे एक साइकिल देखेंगे कि एटमॉस्फेयर से प्लांट्स एंड एनिमल्स से, प्लांट्स एंड एनिमल्स से फिर से नाइट्रोजन में, यही है नाइट्रोजन साइकिल। नाउ लास्ट, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री इज अ प्रोसेस ऑफ रीयरिंग द एनिमल्स एट लार्ज स्केल्स इन फार्म्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स। व्हेन एनिमल्स आर रेयर्ड इन फार्म्स, प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम्स आर फॉलोड टू कीप देम हेल्दी। इन आवर कंट्री एनिमल फार्मिंग इज वेरी कॉमन। Here are some examples of food products obtained from animals. मतलब अपने भोजन के लिए या फूड के लिए
अपनी आवश्यकताओं के लिए, भोजन के लिए। जब हम एनिमल्स को, जानवरों को एक बड़े स्तर पर पालते हैं जहां पर वैज्ञानिक साइंटिफिक सिस्टम्स का यूज किया जाता है उनकी देखरेख के लिए, तो उनके स्वास्थ्य के लिए, तो इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एंड हमारे देश में ये एक मतलब बहुत ही कॉमन सी चीज है, मतलब बहुत सारे लोग इसको करते हैं। एंड नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, हम सब कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जो एनिमल्स, मतलब जो एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं और जो हमारे द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे काउ, बफेलो एंड गोट गिव्स मिल्क, दूध देते हैं, एंड इट इज यूज बाय अस इन द मेनी पर्पजेज, बहुत सारे पर्पजेज में यूज किया जाता है। हैन, टर्की एंड गूज ये एग्स देते हैं। चिकन, गोट, फिश, सिम्स, प्रांस एंड लॉबस्टर्स, हम इनके मीट को, मीट खाते हैं, मांस को खाते हैं। सीप, सीप के फर यूज किए जाते हैं। एंड हनी बीज से हमको हनी मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, बाय दिस लाइन आई कंप्लीटेड माय फर्स्ट चैप्टर। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप मुझको कमेंट्स लिख के भेजेंगे अपने ग्रुप्स में, तो हम आपको ये ट्राई करेंगे कि उन चीजों को फिर से समझाया जाए। और एक चीज और आप करेंगे, मतलब आपका जो YouTube चैनल है उसमें उसको सब्सक्राइब करेंगे और एक बेल होती है उसको भी बजाएंगे, तो आपको जब भी हम YouTube चैनल्स पे अपने वीडियोस अपडेट करेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आसानी से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियोस को दो बार सुने, तीन बार सुने, चार बार सुने, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। That's all, students. Thank you.